दोस्तों, लिकोरिया महिलाओं की एक ऐसी बीमारी है जो महिलाएं किसी को बताने में भी शर्माती हैं, क्योंकि एक गुप्त रोग है। इसे बताने में शर्माती है। लिकोरिया को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सफ़ेद पानी की बीमारी या श्वेत प्रदर। ये बीमारी शरीर को धीरे धीरे खा जाता, वजन नहीं बढ़ता, शरीर दुबला पतला रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, सर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, रात को सोते समय पाँव में नसें चढ़ जाती हैं, जल्दी बीमार पड़ जाता क्योंकि इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता। और भी कई सारी बीमारियां शरीर में अपना घर बना लेती हैं, क्योंकि शरीर कमजोर होने लग जाता है और कमजोर शरीर पे बीमारियों का हमला बहुत ही जल्दी हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको चार ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको अपनाकर 10 दिन के अंदर पुराने से पुराने लिकोरिया को आप ठीक कर सकते हैं। पहला उपाय है, मॉर्निंग में चावल को धोकर एक गिलास उसका पानी पिए। चावल को पहली बार जब धोते हैं, ज़्यादातर हम पानी को फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। चावल के धोए हुए पानी में विटामिन B12, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसकी प्रकृति ठंडी होती है। चावल का पानी बॉडी को एनर्जी और ताकत देता है। दूसरा उपाय, आपको क्या करना है कि 250 ग्राम शीशम के पत्तों को छाया में 7 दिन सुखाना है। उसके बाद पत्तों को मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लेना है और उस पाउडर को रोज 10 दिन तक 1 से 2 ग्राम सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना है। पहले पाउडर को खा के ऊपर से पानी पीना है। तीसरा उपाय है, मेहंदी के पत्तों को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो कर रखना है और सुबह पत्ते निकाल कर उस पानी को बासी मुंह यानी खाली पेट पीना है। शीशम और मेहंदी और चावल तीनों का ही प्रकृति ठंडा होता है, जिससे बॉडी का तापमान सामान्य बना रहता है, पेट की गर्मी शांत होती है और लिकोरिया में आराम मिलता है। लिकोरिया का मुख्य कारण योनि में बैक्टीरिया और पेट की गर्मी के कारण होता है। यह बीमारी ज़्यादातर पित्त प्रकृति वालों को होती है। योनि में बैक्टीरियल इन्फेक्शन माहवारी के समय गंदा कपड़ा लेने से होता है, इसलिए हमेशा नैपकिन या साफ सूती कपड़े का ही यूज़ करें। तो चौथा उपाय है, नीम के पत्तों को रात में पानी में भिगोकर सुबह नीम के पानी से योनि को धोएं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो पनपता है सफ़ेद पानी के स्राव होने से, वो बढ़ता नहीं है और लिकोरिया से होने वाली खुजली भी नहीं होती है। यकीन मानिए, जो तरीके इस वीडियो में बताए गए हैं काफ़ी असरदार हैं और सारे आजमाए हुए नुस्खे हैं और ये 100% काम करते हैं। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी और फायदेमंद लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को इतना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जिनको इस बीमारी से तकलीफ है और इस वीडियो में बताए गए नुस्खों को अपनाकर वो इसका फायदा ले सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।